तो अबे हमारे बीच में जाने वाले जो 500 लोग हैं या 1500 लोग रोजाना जिसका बीवे शर्ट उठता हाथ पैर टूट जाता है कोमा में चले जाते हैं, उन लोगों को बचाया जा सकता है जिसके परिवार के सदस्य जाते हैं या एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको पता चलता है। आप देखो अगर हमारी रोटी रोजी हम गाड़ी चलाते हैं हमारे को चोट लगती है, सामने भी ड्राइवर होता है तो बड़ी दिक्कत आती है, समस्या आती है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज मैंने कि आज आपके आपका ड्राइवर दिवस है और वो ड्राइवर दिवस के रूप में मनाया जाए, ज्यादा बातें ना होते हुए बाकी सिखाना बताना आपको काफी बातों को बताने के लिए कभी प्रोग्राम हम दोबारा करेंगे, कभी भी कर लेंगे, लेकिन आज का दिन ऐसा है। मैं भी थोड़ा बहुत टाइम में आया हुआ हूँ, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहे, आपका परिवार और आप हमेशा भगवान करेंगे आप दिन दिन दुनिया और रात दुनिया उन्नति करते रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि रूल को फॉलो करोगे, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, ट्रैफिक जो रूल रोड रूल रेगुलेशन उसकी जानकारी हासिल करना, 3-4-5 बात है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। शराब पी के गाड़ी ना चलाओ, काफी हद तक इसमें समाधान निकल आएगा। इसको पीने भी है ना घर जाके पी लो ना ही आता है, लेकिन पी कर मत चलाओ, एक ओवर स्पीड मत करो, रेड लाइट जंप मत करो, मोबाइल यूज मत करो चलते चलते, 4-5 बात है उन्हीं में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बाकी में एक्सीडेंट नहीं होगा, बाकी में एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट होगा ये 5-4 बात में। तो इनसे अगर हम बच लेंगे तो देखो हमारा हमारे एक भी देश जाता है, देश से एक भी आदमी जाता है उस परिवार का तो पूरा संसार जाता है, आपको पता बिल्कुल। वो अपने पीछे कितने लोगों को छोड़ा, परिवार उस परिवार का पूरा संसार चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 8-10 बातें ऐसी है कि आप उनको कंट्रोल में कर लोगे तो ये एक्सीडेंट जितने होते हैं ना उनमें काफी कमी आ जाएगी। देखो एक पहला है 183 ओवर स्पीड, दूसरा है डेंजर ड्राइविंग 183, तीसरा 185 जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ड्रंकन ड्राइविंग है, ये कौन सी है नशा नशे शराब में।